देश भर के लोगों को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों के बीच जिज्ञासा जाग रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं देश भर के लोग राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक और भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े फल मेवा के साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के ननिहाल से 3000 क्विंटल चावल आएगा। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के महाभंडारे में होगा। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से अयोध्या का महाभंडार महकेगा। सीएम विष्णुदेव साय 28 दिसंबर को चावलों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ी चावल अयोध्या पहुंचेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावलों की खेप है जो अयोध्या पहुंचेगी। चावलों की बोरियों को छत्तीसगढ़ के कई जिलों से एक साथ एकत्रित कर ले जाया जाएगा। आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 16 जनवरी से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी जो कि 21 जनवरी तक चलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।